हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर हेल्थ एसोसिएशन चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको अस्थमा का प्रॉब्लम हो या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सूज चुके हों तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, आज मैं आपको विटनी सॉल्ट टैबलेट के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको विटनी सॉल्ट टैबलेट के इंग्रेडिएंट्स, प्रिकॉशंस, यूजेज, साइड इफेक्ट एंड मैक्स ऑफ एक्शन इन सब के बारे में बताऊंगा, ताकि अपनी डेली लाइफ में इसका यूज़ कर सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इनके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं कि विटनी सॉल्ट टैबलेट के अंदर क्या क्या अवेलेबल होता है। तो इसके अंदर बीटा मिथासोन जो कि 0.5 mg में अवेलेबल होता है। नाउ फ्रेंड्स, इसकी यूजेस की बात करते हैं कि विटनी सॉल्ट टैबलेट को हम किस किस पर्पस में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्किन इन्फ्लेशन हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं, या फिर आपको एक्जिमा हो तो आप उसमें भी इसे ले सकते हैं। इसके अलावा आपको इचिंग हो तो आप उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अस्थमा का प्रॉब्लम हो तो आप उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसे फिमोसिस में भी यूज कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, हम इसके मैक्सिमम एक्शन की बात करते हैं कि विटनी सॉल्ट टैबलेट हमारे बॉडी में काम कैसे करता है। तो ये हमारे बॉडी में सूजन को घटाता है। नाउ फ्रेंड्स, हम इसके साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं, जो कि जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप विटनी सॉल्ट टैबलेट का यूज करते हैं तो आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, या फिर आपको ड्रॉजनेस हो सकता है। इसके अलावा आपको डिजनेस हो सकता है, या फिर आपको एसोनोमिया हो सकता है। इसके साथ साथ आपको नौसिया हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम्स दिखे तो अपने नज़दीकी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जाकर कंसल्ट जरूर करें। नाउ फ्रेंड्स, इसके प्रिकॉशंस की बात करते हैं कि अगर आप विटनी सॉल्ट टैबलेट का यूज़ करते हैं तो आपको कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि आप इस टैबलेट को खाली पेट ना लें। पहले आप सुबह उठकर कुछ डाइट लें, उसके बाद ही इसका यूज़ करें। इसके अलावा आप अल्कोहल को अवॉइड करें। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अल्कोहल को बिल्कुल भी ना लें। इसके साथ साथ अगर आपको डायरिया जैसा कोई कॉमन प्रॉब्लम हो तो आप इसका यूज़ ना करें। इसके अलावा अगर आप विटनी सॉल्ट टैबलेट के इंग्रेडिएंट्स से एलर्जिक हैं तो आप इसका यूज ना करें, आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये तो थे विटनी सॉल्ट टैबलेट के बारे में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फर्दर मोर देन वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।